साथियों, आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। आर इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। चंद्रभद्र सिंह सोनू ने अली और बाहुबली जैसे कमेंट पर दिया करारा जवाब। आप देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट पेशकश। तमाम सभाओं को अटेंड कर रहे हैं, समर्थन दिखाई दे रहा है। देखिए आज तो हमारी पहली सभा है, इसके पहले जो सभा किए मोनू किए हैं। और जहाँ तक जन समर्थन की बात है, जन समर्थन पूरे क्षेत्र के लोग हमारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, कोई पार्टी आपको टक्कर नहीं दिख रही? फिलहाल तो कोई पार्टी टक्कर में नहीं है, त्रिकोणात्मक चुनाव है। तो आप तो क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है इस बार थोड़ा जो कुछ कमियां रह गई हो? तो कैसी कमियां? जैसे पिछले सत्र में थोड़ा सा कमी वोटों से, 5-6 हजार वोटों से हारे थे, तो क्या इस बार वो पूरा हो जाएगा? अब इस बार जो बहुजन समाज पार्टी के मोनू कैंडिडेट हैं, तो बहुजन समाज पार्टी वाला वोट तो हमें मिलेगा ही। 45 हजार वोट मिला तो 20-25 हजार वोट तो बहुजन समाज पार्टी का है ही। उसके बाद हमारे साथ अदर लोग भी जुड़ रहे हैं, जो पिछली बार हमारे साथ नहीं थे, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बजरंगी का एक विशेष नारा है, बजरंग। अब देखिए, अब उनका नारा तो अपनी जगह पे है, आखिर 5 साल वो कहाँ थे? 5 साल तो बताने आए नहीं कि कौन बाहुबली है, कौन अली है। ना किसी के सुख दुख में, ना किसी के शादी ब्याह में कहीं शरीक ही नहीं हुए हैं। अब खाली चुनाव आ गया तो हम लोग बाहुबली हो गए। इसके पहले हम लोग क्या हैं क्या नहीं, तो पूरा क्षेत्र हमारा जानता है। असर दिख भी रहा, हम तो 17 भी नहीं लड़े थे जी। जो आप बोल रहे हैं, हम तो 17 भी नहीं लड़े थे, इस बार भी नहीं लड़ रहे हैं, तो उसका असर पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रचार किए, वहाँ आप लोग जाइए पूछ लीजिए। इस बार अर्चना दीदी भी मैदान में वोट मांग रही है और घर घर जा रही है, तो क्या उनका जो पर्सनल वोट है, जैसे जिला पंचायत जीती है, उसका भी हमें फायदा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक वोट की बात है, तो सपोर्ट ये सब हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, चाहे हम दो भाई हों चाहे बहन हों। आखिर वो भी तो यहीं की बेटी है ना, कोई ऐसा भी नहीं कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ी कहीं किसी एक बूथ पे कहीं किसी के साथ कोई अनावश्यक चीज़। सब लोगों ने अपने मन से हमें वोट दिया, वो भी 80% वोट दिया था। उनके खिलाफ मेनका गांधी ने स्वयं प्रचार किया, सूर्यभान सिंह ने प्रचार किया, किसी को 30 वोट मिला, किसी को 20 वोट मिला, हमें एक तरफा वोट मिला है। एक पोलिंग पे कहीं ये भी नहीं कोई कह सकता कि किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई हो, निष्पक्ष काउंटिंग हुई है। हम लोग किस लिए बाहुबली हैं? हमारी बहन कौन सी बाहुबली थी जो मुकदमा लिख दिया गया था? अच्छा, एक चीज़ और, मेनका जी जब भी सुल्तानपुरा थी, बाहुबली भाइयों का नाम लेना ही भूलती। अब देखिए, बड़े लोग हम, जहाँ तक मेरी उनकी बात, वो मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका असर तो दिखेगा ही। इस बार आप दोनों एक साथ। अब ताहिर भाई यहाँ के लोकल तो हैं नहीं, ताहिर भाई 5 साल MP भी रहे हैं। अब ताहिर भाई के बारे में सब लोग जानते हैं, हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। एंजल के ग्राम प्रधान ने भी स्कूल के कुछ जमीनी बातों को लेकर हमारी ग्राम सभा का 19 बीघे जमीन आश्रम पद्धति के नाम चली गई, और वो आज तक विद्यालय तो यहाँ बन नहीं पाया, लेकिन हमारी जमीन ट्रांसफर भी नहीं हुई, वो ऐसे वैसे विद्यालय के नाम पड़ी है। ये केवल हमारे क्षेत्र में सांसद विधायक न होना ही साबित करता है, हमारे क्षेत्र में नेता न होने के कारण ही ऐसा हुआ है। वो कभी आते नहीं हमारे क्षेत्र में, उनसे कोई मतलब नहीं क्षेत्र का। जनता ने वैसे उनको वोट दे दिया, वैसे जीत गए और वैसे बैठे रहे अपने घर में। एक पैसे का विकास पूरे क्षेत्र में कहीं बताएं विकास हुआ तो? सांसद महोदय क्या विकास किए पूरे क्षेत्र में? कोई विकास नहीं है उनका, कोई एक पैसे का विकास है कहीं बताइए? ना बिजली का कहीं विकास है, ना रोड का कहीं विकास है, ना विद्यालय का कहीं पैसा दिया गया है, कहीं कोई विकास नहीं, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा विकास सांसद जी कर रही हैं? मैं चाहता हूँ कि लाइट की व्यवस्था हो हमारे यहाँ, हैंडपंप की व्यवस्था हो,
गरीबों की हम व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्थाएं मिल सकती हो गरीबों को वो दी जाए।